मुझसे एक हो गई है छोटी सी गलती, वो गलती बताने के लिए हम चलते हैं नम्रता के पास पहले। तो कल एक छोटी सी गलती हो गई, सुन तो लो फिर रिएक्शन दे देना। कांड ये हुआ है कि कल रात को याद है मैं ब्लॉग कर रहा था, रिकॉर्डिंग कर रहा था यहाँ पे हॉल में खड़े होके, एंड मिस्टेकली कल का वो वीडियो सारा डिलीट हो गया। सीरियसली? ये सब एडिट हो जाएगा। कैसे कर सकते हो ऐसे डिलीट वीडियो? सबको सिलेक्ट किया और डिलीट ऐसा कर दिया मैंने। कर क्या रहे थे आप? अरे मैं एक्चुअली पुरानी वीडियोस डिलीट कर रहा था बट साथ में वो भी सिलेक्ट हो गई तो वो डिलीट हो गई। हाँ तो आपको हड़बड़ी तो वैसे ही रहती है, मैं हमेशा बोलती हूँ कि मत करो मत करो, अभी पेशेंस रखो रख लो डेटा, पर आप समझते ही नहीं हो। कोई नहीं, कैंसिल आपका। यहाँ से हम अपना ब्लॉग शुरू करते हैं आज। सुबह की गलती सुधारने के लिए मैंने सोचा चलो क्यों ना अपनी बीवी की मदद करी जाए ब्रेकफास्ट बनाने के लिए, आई मीन सॉरी लंच करने के लिए, लंच बनाने के लिए। हाँ तो मैं माते मैं हेल्प करूँगा तुम्हारी, जो काम बोलोगे ना कर दूंगा, जो काम बोलोगे क्या करना पूरी, 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 पूरी। ये पूरी में मेरी हेल्प क्या चाहिए, खुद ही कर लेना यार। और सुनो थोड़ा जल्दी बनाओ खाना, ठीक है? थोड़ा जल्दी कर यार, हाथ पैर जल्दी चला, हाथ पैर जल्दी चला। नम्रता ये लाइट लगानी है यार आज, कैन यू हेल्प मी आउट विद दिस लाइट? है ये देखिए वाली लाइट कह रहा हूँ मैं, देख नम्रता दिस वन द बॉल वन। और अभी शाम हो चुकी है, 6 बज चुके हैं भाई, सो फाइनली थोड़ा सा चाय पीने का मूड सा हो रही है। अब मैंने अमन को बोला कि मेरे लिए चाय बना दो प्लीज़, उस दिन आपको याद होगा व्लॉग में मैंने चाय बनानी सिखाई थी, पर अमन इज लाइक मैं नहीं बना रहा ना यार, तू बना दे तू बना लेना प्लीज़, अच्छा मैं भी थोड़ी सी पी लूँगा तू बना दे। बनाने नहीं है इसको चाय, नहीं बनाएगा, काम नहीं करेगा ये, कोई बैठा हुआ है देखो, ये देखो देखो इस आदमी को ध्यान से गौर से देखा जाए, फर्क नहीं पड़ रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है, जवाब भी नहीं दे रहा है, रिएक्शन तो देख लो जरा, देना लुक देना एक बार लुक तो दो, देना तो सही। अबे मैं टाइम पास नहीं कर रहा, फिर से पूछ के नहीं लगाई ना मैंने। हाँ मेरे को अच्छी लग रही थी मैंने लगा दी, पूछ के नहीं लगाई ना, अच्छी नहीं लग रही है। ज्यादा फोकस मत लो और फटाफट काम कराओ, इतना आलसी रहने बनने की जरूरत नहीं है आपको, ये सब एडिट हो जाएगा। उठो चलो कर्टन चेंज करो, सब एडिट हो जाएगा तेरा बुलावा, खच एंड देन शू एंड देन ओवर, दैट्स इट एंड यू आर आउट ऑफ द पिक्चर अगेन। ये पर्दे स्पेशली कस्टम मेड पर्दे हैं, ये हमने पूरे ब्लैक बनाए थे, ये पीछे से भी ब्लैक आगे से भी ब्लैक, इनको ब्लैकआउट कर्टेंस बोलते हैं, ब्लैकआउट कर्टेंस बोलते हैं, ठीक है अंग्रेज, ये ब्लैकआउट कर्टेंस होंगे। ये इसलिए बनाए थे क्योंकि डायरेक्टली धूप हमारे कमरे में आती है गर्मियों के टाइम पे एंड सर्दियों में भी, तो ऑब्वियसली बात है ना सन फेसिंग है ना हमारा, दोपहर की धूप आ जाती है ना, आई थिंक 12:30 बजे की धूप हमारी आती है, स्पेसिफिकली बोला इसलिए मैंने बोला कि सर्दियों में भी। हां ये सब एडिट हो जाएगा, ये तो कतई एडिट होगा, ये खत्म बस, तू बाहर वीडियो से अब, चुप चुप, लोगों को पता ही नहीं कि तू वीडियो में है कि नहीं है, लोगों लगा अकेला ब्लॉग में आ रहा लड़का, सृष्टि बोल देती ना कि अजीब सा लगेगा कि अकेला बात कर रहा है, हैं? सही बोलती है, जल्दी आओ। अच्छा मैं क्या बोलता हूँ, मैं ब्लॉग बनाता हूँ, तू ऊपर चढ़ के पर्दे निकालो, नहीं नहीं मैं कैमरा पकड़ती हूँ, मैं ब्लॉग बनाती हूँ, आप कर्टन लगाओ, नहीं मैं ब्लॉग बनाता हूँ, वैसे भी टिंगड़ी हूँ तो मैं तो हाथ मेरे तो पहुंच नहीं पाएंगे टिंगड़ी के, तो आप ही अपना जरा चेयर पे चढ़ के। मम्मी ने बचपन में कॉम्प्लेन नहीं पिलाया था क्या? नहीं मम्मी ने तो पिलाया था, पता नहीं क्या गलती हो गई कि बड़ी नहीं हाइट। टिंगड़ी तेरी हाइट कितनी है? 5 फुट होगी। थोड़ी सी शर्म आई मतलब 5 बोलते हुए भी? नहीं ना 5 पता ही तेरे कितने होते हैं, ऐसे 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 1 2 3 4 5 5 समझ आया, हम 5 पे 5 5 ला 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 ला। ये सब एडिट हो जाएगा। सो आई केप्ट दिस एज मेमोरी, मैंने अपने रूम में टांगे हुए हैं, ये एक्चुअली बहुत पसंद है मुझे, ये पूछा नहीं किसने तेरे से, ये चुप रहो, एक यहाँ पे और एक ये रहा। सो ये जो कलीरे होते हैं ये शादी के टाइम पे चूड़े के आगे पहनाए जाते हैं जब दुल्हन रेडी हो जाती है, और आपकी सिस्टर्स भाभी घर में जितने बड़े होते हैं जो भी पहनाना चाहे वो सब आपको ये पहनाते हैं, ये अलग से कड़ा मिलता है चूड़े के साथ में,
उसमें गलीरे बांधे जाते हैं, तो ये बहुत सारे गलीरे थे जो कि गिरते 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 इतने रह गए हैं। और ये गोल्डन वाले जो होते हैं ये ट्रेडिशनल वाले गलीरे होते हैं। ढंग से काम करो, पगार नहीं मिलेगी, समझे? खाना नहीं मिलेगा वरना। जब कुछ बाहर से मंगवाना होता है ना, खाने के लिए अमू प्लीज मंगवा दे। हाँ अमू प्लीज खाना मंगवा दो। सब एडिट कर दूंगा पता क्यों, क्योंकि कोई मतलब नहीं है इसका। ये सारे कार्ड बॉक्सेस अपन ने खाली कर दिए हैं, ये मैंने खाली करे हैं। आपने किए? किसने किए हैं? आपने किए? यहाँ बोलो सबके सामने किसने किए हैं? आपने किए? अमन ने खाली नहीं किए हैं। ये सब एडिट हो जाएगा, ये सब एडिट करूंगा मैं इसका बोला हुआ। खाच 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 कुछ खाच खाच नहीं होगा, कैची नहीं चला रहे। ये भी एडिट हो जाएगा, एक पॉज इतना अच्छा दिया मैंने, मतलब ये एडिट हो जाएगा, ये सब एडिट हो जाएगा तेरा बोला हुआ। ये जाओ फटाफट फटाफट जल्दी हटा यार, जल्दी हटा, चल सारा सामान हटा। आप भी थोड़ा काम कर लो। एक ब्लॉक कैसे बनेगा? तो ये मेरे को एक बात समझा मेरे कि खिड़की तूने ब्लॉक कर दी पूरी, सारा सामान हमने यहाँ लगा दिया, ये सामान यहाँ लगा था, क्या दिक्कत? मैं ये डब्बे साइड कर रही हूँ, बैग्स तो आप खींच सकते हो। ठीक है, डब्बों से रास्ता ब्लॉक होता है। रुको फिर मैं इसको तो ऐसे ही कर दूंगा, रुको 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 हो गया। ठीक है ये भी कर दो, चलो ये भी करो, जल्दी करो यार टाइम नहीं मेरे पास इतना। फटाफट इंस्ट्रक्शन देता हूँ, क्लियर कट इंस्ट्रक्शन देता हूँ, फॉलो करो। क्लियर दिस ऑर्डर ऑल्सो। शाबाश शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड, जल्दी किसका अच्छे से। ये देखो कदर नहीं है तुम्हें, वैसे मैंने कहीं भी फेंक दो यार। ये दो मैंने यहाँ रखे थे, ये तुमने फेंका है झूठी। अच्छा ये बैग्स और इसमें भी तुम्हारे कपड़े हैं शायद। ये कपड़े तो जा रहे बेड में रखने वाले हैं, खाली तो है बेड पे, चलो आओ चलो चलो उठाओ। तो हाथ के फिर आपके भी ये वाले सूट्स जितने ये सब बेड में। हाँ चलो ये सब ले के चलो, मेरे तो स्पेस है जिसमें कपड़े आ जाएंगे। तुम्हारे इसमें है ना और इन दोनों में, उसमें थोड़ा बहुत स्पेस भी नहीं है, इसमें इस वाले में आई गेस थोड़ा बहुत हो सकता है। ओपन करके देखने पड़ेंगे, मैं भूल गया हूँ। तुम्हारे वाले में, तुम्हारे वाले में तो आ जाएंगे। वो मैं फिर से नहीं बिछाऊंगा, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। वो रेड कपड़ा है इस पर बिछा देते हैं और यहाँ पे नीचे नीचे डब्बे भी आ जाएंगे तो वो कपड़े से ढक जाएंगे। अभी भी पूरा हुआ नहीं है, चल ही रहा है क्योंकि दोनों का ऑफिस चालू रहता है। यानी मेरी वाइफ का काम लेट खत्म होता है तो आई कैन नॉट ब्लेम हर, आई कैन ब्लेम माई सेल्फ कि मैं अकेले कुछ नहीं करता तो मुझे इसका साथ चाहिए ही होता है। फिर मैंने बोला सही बोला कि नहीं बोला, मतलब बिंदास बोला ना मैंने, है कि नहीं? मतलब हेल्प चाहिए तो चाहिए, अकेला नहीं करेगा मैं। पर साथ में काम करके सब रखने में डिसाइड, मतलब आपस में डिसाइड करने में ज्यादा मजा आता है ना। अकेला करने का मन भी नहीं करता वैसे भी। काम करवा लो तो भाई साहब ऐसे मूड में थे कि बस आज रहने दे कल करा दूंगा। ये सब एडिट हो जाएगा। उस दिन रिचा अजितेश क्या गए, उसके बाद से इस लड़के ने कुछ काम नहीं कराया यार, सिर्फ फोन लेके बैठा रहा वहाँ पे। कहाँ पे? अलमारी में सारा सा कपड़े तू ही लगाएगी, चाहे खुद की अलमारी करनी थी। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, किसने लगाई मेरी अलमारी? मैंने। थोड़ा इधर देख, भगवान से डरो झूठ मत बोलो। जब बोला था अपनी अलमारी लगा लो तो मेरे से तो होगा नहीं, सब झूठ है। अलमारी मैंने अपनी लगाई बेटा, तुम्हारी अलमारी मैंने कहा था कि मैं लगा देता हूँ, तुमने मना किया था कि तुम मत लगाओ मैं लगा लूंगी अपनी अलमारी, तुम अपनी अलमारी लगा लो। गुस्से में बोला था तुमने ये बात, मुझे याद है, खुद से अपनी अलमारी। ठीक है, और उस दिन इतनी भागा दौड़ी की थी मैंने कि मैं थक गया था। कैमरे पूरा आ रहा हूँ, मैं कैमरे पूरा आ रहा हूँ, देख पूरा आ रहा हूँ। कहाँ तक आ रहा है? थाईलैंड दिख रहा है मेरा। अच्छा ये सब एडिट हो जाएगा। थाया थाया कर रही है ना तू ये सब। ओ ये क्या है?
कॉकरोच छिपकली नहीं है जैसा रिएक्शन दे रहा हूँ। उड़ता ही फिरूं इन हवाओं में कहीं या फिर झूल जाऊं पहला नशा पहला कुमार पहला कुमार नया इंतजार कर दूं मैं अपना हाल है बेल बेकरार जो भी है बेकरार तू ही बता नहीं बता रहा जा जो करना कर ले ये सब एडिट हो जाएगा बहुत जब कपड़े तुम्हारे फोल्ड हो जाना सारे मेरे को बता देना तब तक के लिए मैं सुखाने तब तक मैं थोड़ा आराम करूँ क्या सुखाने अभी और कल कपड़े धोए थे इसने सुखाए मैंने सारे कपड़े मैंने सुखाने मतलब बात मानते हैं बता पहले जनता को बता बिल्कुल कल और अभी वो कपड़े हमें उतार के और वॉशिंग मशीन में धुले हुए कपड़े हैं वो भी सुखाने आज फिर तो कल के कपड़े मैंने धोए मैंने सुखाए थे मानती है रात के अराउंड 12:30-1 मैंने कपड़े धोए हैं बिकॉज शी वॉज वर्किंग टिल दैट टाइम एंड शी टोल्ड मी कि अमन वॉशिंग मशीन में सारे कपड़े पड़े हैं प्लीज सुखा दो तो वॉशिंग मशीन से मैंने कहा कपड़े निकाल देता हूँ मैं पूरे सुखा देता हूँ ये सब एडिट हो जाएगा मेरा बोला हुआ ये सब एडिट हो जाएगा तुम्हारा बोला हुआ यार गलत लॉज हो गया अच्छा लोगों ये बताओ आपको ये सब कोई कैसा लगा ये वाला पीस सो गाइस अगर आप लोगों को भी ये पसंद आया हो हमारा आइडिया इसको डेकोरेट किया है सो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और साथ ही अगर आप लोग हमारे ब्लॉग को एंजॉय करते हैं तो प्लीज जो नीचे लाइक बटन है वो जरूर प्रेस करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा सो दैट आने वाले सारे नोटिफिकेशंस आपको मिले बेल आइकन भी प्रेस करिए घंटा दबाने का नीचे पक्के आज से सो गुड नाइट एवरीवन सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग टिल देन बाय बाय गुड नाइट राधे राधे।